Okay, hello students. Um, welcome to the e learning program of Subhash Chandra Academy. And uh, let us quickly begin with the seventh chapter of your class first syllabus that is the fancy dress show. Okay, so we will be studying this chapter in this video. Okay, let us begin. See the first. वॉट इज़ गिवन यर वार्म अप तो यहाँ पे वार्म अप दिया हुआ है लेट लेड्स सी वॉट वी हैव टू डू हु हुस दीज कैप्स ओके यू कैन सी यर यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्स बने हुए हैं चार तरीके के तो इन सारे कैप्स को अलग अलग इंसान पहनते हैं अलग अलग लोग पहनते हैं उनका नाम हमें लिखना है कि वो लोग को हम क्या कहते हैं सी द फर्स्ट वन पहला वाला यहाँ पर जोकर है ठीक है सेकेंड वन डॉक्टर है थर्ड वन पुलिस है फोर्थ वन शेफ़ शेफ़ कौन होता है जो खाना बनाते हैं बाकी सबको तो आप जानते हैं जोकर जो हम सर्कस में रहते हैं जो हमें हंसाते हैं डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं पुलिस जो चोरों से और गुंडों से हमारी रखवाली करते हैं एंड शेफ जो हमारे लिए होटल्स में रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं ठीक है लेट अस बिगिन विद द स्टोरी नाउ It is Saturday. It is Saturday. The children of Madhuban Colony go to a fancy dress show. So, इस story में Saturday का दिन है एंड जो Madhuban Colony है एक जगह है वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक fancy dress show में जाते हैं आपके schools में भी फैंसी ड्रेस शो होता है उसमें आप कई तरी नए नए तरीके के कपड़े पहनते हैं तो बच्चे भी वहीं पर गए थे फैंसी ड्रेस शो में गए थे ओके देर आर मैनी चिल्ड्रेन इन फैंसी ड्रेसिज एट द शो तो वहाँ पर बहुत बच्चे हैं और अलग अलग कपड़े पहन कर वो आए हैं वहाँ पर दे आर एक्साइटेड वो बहुत एक्साइटेड हैं एक्साइटेड मतलब बहुत खुश होना द पेरेंट्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन आर इन बिग हॉल तो जो बच्चों के माँ बाप हैं वो एक बहुत बड़े हॉल में हैं दे विल वॉच द शो तो वो शो को देखेंगे माँ बाप ओके नासपन्स नेक्स्ट वहाँ पर एक मिसिस पा पॉल हैं वो क्या करती हैं पियानो को प्ले कर रही होती है वो ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आप पियानो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो प्ले कर रही हैं द फैंसी शो बिगिनस तो दो वो शो शुरू होते हैं हो जाता है आदर्श कम्स ऑन द स्टेज फर्स्ट तो आदर्श स्टेज पर सबसे पहले आता है आदर्श नाम का एक लड़का ही इज़ ड्रेस्ड एज अ सुपर हीरो तो वो सुपर हीरो के कपड़े पहनता है वो हरप्रीत कम्स इन अ मंकी सूट हरप्रीत मंकी सूट में आती है ठीक है हरप्रीत एक लड़की है और आई थिंक लड़की एक कि लड़का है वी आर नॉट कन्फर्म्ड तो वो एक मंकी के सूट में आती है मंकी के ड्रेस में आती है ही एक्ट्स लाइक अ फनी मंकी ओके वी डिस्कवर्ड हरप्रीत एक लड़का है क्योंकि ही यूज़ हुआ है यहाँ पर सो फनी मंकी जैसा वो एक्ट करता है बहुत ही मजाकिया मंकी का वो एक्टिंग करता है ही लुक्स एट द पीपल वॉचिंग द शो तो वो लोगों को देखता है जो शो देख रहे हैं फिर क्या करता है ही मेक्स फेसेस एट देम तो वो उनके ऊपर दूसरे दूसरे तरीके के फेसेस बनाता है मतलब आई थिंक फनी फेसेस बनाता है या चढ़ाता है ठीक है मस्ती कर रहा होता है सितारा कम्स एज अ पम्पकिन सितारा जो रहती है वो पम्पकिन का गेटअप कर कराती है ठीक है नासी सिड कम्स एज एन एग सिड जो है वो एग का शेप पहन के आता है वो एक हमटी डमटी हमटी डमटी की स्टोरी आपने पढ़ी होगी पोयम पढ़ा होगा हमटी डमटी का आपने हमटी डमटी एक एग रहता है ठीक है अब देखते हैं रिमी एंड मार्था आर टू little गर्ल्स dressed एज फेरीज सो रिमी और मार्था यहाँ पर जो दो लड़कियाँ हैं ये फेरीज बनी है परियाँ बनी है दे हैव सिल्वर विंग्स और उनके पास कैसे विंग्स हैं सिल्वर कलर के ठीक है देखिए फरीबा कम्स एज अ क्वीन फरीबा कैसे आती है क्वीन बनकर आती है शी इज wearing अ shiny गोल्डन क्राउन और उसने एक बहुत ही चमकदार गोल्डन कलर का क्राउन पहना है मुकुट पहना है ठीक है प्रीथा कम्स एज मिस हिपो प्रीता जो रहती है वो मिसेस हिप्पो बनकर आती है हिप्पो कौन होता है हिप्पोपोटामस ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है एंड बाला एज एन ऑक्टोपस बाला जो रहता है वो ऑक्टोपस बनकर आता है यहाँ पर देख सकते हैं आप ठीक है देन जाक एंटर्स एज ए विजर्ड जाक जो रहता है वो एक जादूगर बनकर आता है He has a broom in his hand और उसके हाथ में एक झाड़ू भी रहता है broom मतलब झाड़ू ठीक है the parents are happy parents जो हैं वो बहुत खुश हैं they clap for all the children वो बच्चों के लिए सारे बच्चों के लिए तालियां बजाते हैं all the children get prizes सारे चिल्ड्रेन को सारे बच्चों को प्राइजेज मिलते हैं तोहफे मिलते हैं हरप्रीत गेट्स एन एरोप्लेन हरप्रीत को क्या मिलता है एरोप्लेन प्रीता गेट्स अ टॉय ट्रक प्रीता को एक टॉय ट्रक मिलता है सिड गेट्स अ कलरिंग बुक सिड को एक कलरिंग बुक मिलता है सितारा गेट्स अ पेंटिंग किट सितारा को क्या मिलता है एक पेंटिंग किट पेंट करने के लिए आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में ठीक है सम ऑफ द चिल्ड्रेन आर गिवन क्रेन बॉक्सेज अदर चिल्ड्रेन आर गिवन स्टोरी बुक्स कुछ बच्चों को क्रेऑन बॉक्सेज दिए गए हैं और कुछ बच्चों को स्टोरी बुक्स दिए गए हैं दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ये एक फैंसी ड्रेस शो था और यहाँ पर कुछ बच्चों ने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने दिए सो फ्रॉम दिस स्टोरी यू कैन यू आर एबल टू सी कि किस इस तरीके से आप फैंसी ड्रेस शो में कपड़े पहन सकते हैं आपके स्कूल्स में भी होता है And you also get prizes there. These are very good, and you all are also very good. So, it's very participate kare in these things. You learn new things. Okay? This was all about the story. I hope you liked it. Now, the various exercises of this chapter, you will get a PDF form of that, and the question and answers too, you will get there. So, please complete it from there. And uh, you can ask any doubt if you have. Thank you for watching. Have a nice day.